So, recently, recently क्या हुआ है 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 विवेक विवेक जी ने एक एक चीज बोली स्टेटमेंट बोला है, ज, जो हमें पता सिंगल जीएसटी रेट इन्होंने बोला है कि हमारे देश में एक जीएसटी रेट होना चाहिए राइट <coughs> right? एक जीएसटी रेट होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट का इनसे इनका क्या मतलब है ये आज के पूरे लेक्चर में हम समझने वाले हैं उससे पहले मैं आप सभी को चाहती हूं उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी के क्या अलग अलग रेट्स हैं और उन अलग अलग रेट्स का क्या बेसिकली उनसे नुकसान है जो ये इस स्टेटमेंट को या फिर सिंगल जीएसटी रेट को लाने की बात कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जब जीएसटी आया था तो वो चार बिल के तहत आया था चार बिल्स उसमें आए थे सबसे पहला था सी बिल जिसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज बिल दो बोलते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को सब्ज्यूम कर लिया गया था या फिर आप बोल सकते हो इंडायरेक्ट ड्यूटी हो गया आपका सर्विस टैक्स हो गया वैट हो गया एंट्री टैक्स हो गया ये सब चीज़ें जो हैं इस बिल में सब्ज्यूम कर ली गई थी उसके बाद आता है इंटर आई जी एस टी राइट जो इंटरस्टेट जो सेल्स होती है उसके लिए ये बिल लाया गया था फिर यूटी जीएसटी आता है यूटी जीएसटी मतलब जो भी जीएसटी का कलेक्शन होगा वो यूटीज के साथ भी शेयर होना चाहिए उस चीज के लिए बिल आया था उसके बाद आता है कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन जीएसटी या फिर कॉम्पनसेशन बिल कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन <coughs> बिल किस लिए आया था आपको पता है जीएसटी आने से पहले जो सर, राज्य सरकार थी जो स्टेट थे वो वैट के थ्रू कमाते थे राइट right. अब मान लो स्टेज की बिक्री वैट के थ्रू सौ रुपए की हो रही है मैं एक छोटा हमेशा देखिए इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हो छोटे नंबर से पढ़ा करो करोड़ों में वैल्यूज मत लिया करो समझने में दि दिक्कत होगी ऑलवेज ट्राई टू रीड थिंग्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स विदॉलर नंबर राइट अब मान लो अगर सौ रुपए की आपकी आप, आप, uh, राज्य सरकार ने कमाया है वैट के थ्रू अब जीएसटी आने की वजह से जीएसटी आने की वजह से सब कुछ क्योंकि सब्ज्यूम होने वाला है सब कुछ एक होने वाला है तो मान लो अब states को घाटा हो गया और वो सिर्फ अस्सी रुपए कमा रहे हैं तो स्टेट को कितना घाटा हो रहा है यहाँ पर बीस रुपए का घाटा हो रहा है अब केंद्र सरकार ने यह बोला है कि अगर जो भी आपको घाटा होगा आपकी अर्निंग में आपकी इनकम में आप जो रेवेन्यू कमा रहे थे उसमें अगर आपको घाटा होगा तो उसके लिए हम आपके लिए एक बिल बिल ला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है बिल, राइट मतलब आपका यानी राज्य का कोई घाटा नहीं होने देंगे आप अगर सौ रुपए कमा रहे थे और अगर आप अस्सी कमा रहे हो तो कोई बात नहीं हम इसको आपको कॉम्पेंसेट कर देंगे ठीक है इस बिल का था ये मतलब राइट वैल्यू एडेड टैक्स या वैट ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लीज यहां पर थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिए आई आई एम श्योर ये मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं और ये आपको डेफिनेटली आज आज के सेशन में बहुत सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली हैं राइट एंड आई एम श्योर आप एंजॉय आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में पढ़ा होगा बट शायद कभी मतलब ही नहीं समझ आया होगा मैं बताती हूँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब होता है हम बात कर रहे हैं डेस्टिनेशन बेस्ड आपने एक और शब्द सुना होगा कैस्केडिंग इफेक्ट कैस्केडिंग इफेक्ट ठीक है यह भी सुना होगा कि जो जीएसटी है वो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर देगा इसका क्या मतलब होता है देखिए मान लो कोई ए बंदा है या फिर कोई ए कंपनी है वो कोई सामान बना रही है सौ रुपए का ठीक है सौ रुपए का उसने सामान बनाया उस पर सरकार टैक्स लगा देती है मान लो दस परसेंट का टैक्स लगा दिया तो वो मार्केट में कितने का जाएगा एक सौ दस रुपए का वो सामान हो गया राइट मान <kliness> लो कोई स्टील कंपनी है जिसने फाइनली अपना स्टील बना दिया स्टील कंपनी का तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है स्टील होती है राइट अब ये उसका फाइनल प्रोडक्ट स्टील कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट किसका रॉ प्रोडक्ट हो जाता है किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का राइट तो किसी का फाइनल प्रोडक्ट किसी और कंपनी का रॉ प्रोडक्ट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अब मान लो ये बी कंपनी है जिसमें जिसमें उसका ये जो एक रुपए की स्टील खरीदी ये जो भी एक रुपए का प्रोडक्शन हुआ ये इसका रॉ मटेरियल है अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी अपनी कोई वैल्यू ऐड करेगी कार बनाएगी ठीक है मान लो चालीस रुपए की उसने वैल्यू ऐड कर दी राइट अब ये पूरा सामान कितने का हो गया एक सौ चालीस रुपए रूपए का एक सौ पचास रुपए का हो गया राइट अब ये कंपनी के पास आ रही है ये कॉस्ट जब ये मार्केट में जाएगी तो इस पर भी टैक्स लगेगा मान लो दस परसेंट इस पर भी टैक्स लग जाता है टेन परसेंट टैक्स लग गया अ 10% टैक्स एक सेकंड 10% टैक्स यहां पर लग गया 10% क्या होगा ₹15 होगा तो मतलब हम रुपए टैक्स तो यहां दे रहे हैं मतलब पहले वाले केस में भी दे रहे हैं और रुपए टैक्स हम यहां दे रहे हैं मतलब हम दो-दो बार टैक्स दे रहे हैं इतना क्लियर हुआ आपको इतना क्लियर हुआ कि कोई ए कंपनी है जो कुछ बना रही है उस पर 10% का टैक्स लग गया तो फाइनल प्रोडक्ट इतने रुपए का हुआ अब वो फाइनल प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी का रॉ प्रोडक्ट होगा उसने भी अपनी कोई वैल्यू ऐड करी होगी चालीस रुपए की मान लो वैल्यू ऐड करी है राइट वैल्यू ऐड करने के बाद इतने रुपए का वो सामान हो गया है उस पे भी टैक्स लगेगा ठीक है मार्केट में जाने से पहले टैक्स लगेगा तो हम यहां पर भी दस दस परसेंट का टैक्स दे रहे थे और यहां पर भी दस परसेंट का टैक्स दे रहे थे क्या आपको समझ आ रहा है कि हमें दो दो बार टैक्स देना पड़ रहा था अब सरकार ये कहती है कि जी देखो आपको दो दो बार ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा मतलब आप अब आपको ये सेम वैल्यू पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा मैं यहां पर सेम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूं सेम वैल्यू पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा बार बार इसी को कहते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो हम खत्म कर देंगे कैसे खत्म होगा उस चीज को कहते हैं इनपुट क्रेडिट इनपुट क्रेडिट अब सरकार ये कहती है कि कोई बात नहीं अगर आप यहाँ पर टैक्स दे रहे हो तो हम आपका जो जो, जो हमने आपसे एक्स्ट्रा लिया है आप सिर्फ ये पंद्रह दो ठीक है क्योंकि पंद्रह ही फाइनल है इस पंद्रह पे जब ये मतलब एक सौ पचास पे जब हम टैक्स पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हम इस वाले पे भी तो टैक्स पे कर रहे हैं ना क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड है ना इसमें तो सरकार ये कहती है कि हम आपको ये आपका रिटर्न कर देंगे वापस दे देंगे आप इतना ही दीजिए जो आपने पहले टैक्स दिया था वो हम वापस कर देंगे जिसको हम इनपुट क्रेडिट बोलते हैं इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बस कैस्केडिंग इफेक्ट जो है मतलब हम बार एक ही वैल्यू पे बार बार जो हम टैक्स दे रहे थे वो कम हो जाएगा इससे ठीक है इसलिए कहते हैं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जब जब फाइनल डेस्टिनेशन पर जब आप जब ये सामान जो पहुंच रहा है जो आप ले रहे हो सिर्फ वहीं पर आपको टैक्स भरना है और उससे पहले जो जितनी भी वो सीरीज से बनकर आया है आपको नहीं भरना है दैट इज वॉट इट मेंट क्लियर अभी भी आई कैन सी ओके कविता जी कुमार शुभम छाया श्रुति वेरी गुड ओके चलिए ये हमें पता है कब आया था 2017 में आया था इसके लिए हमें एक संविधान में चेंज करना पड़ा था 101 सौ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम इसको लेकर आए थे राइट right? इसको वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं इन सब चीजों में मुझे नहीं लगता आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम इन दीज वन लाइनर्स ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो खुद भी आपको पता होगा बट जो चीजें होती है समझाने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने सेशन में अपने क्लास में क्योंकि कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए मतलब समझ आना चाहिए चीजों के पीछे की कहानी उनके पीछे की स्टोरी वो क्यों है कैसे है क्या इम्पैक्ट होगा ये जरूर समझ आना चाहिए और ये समझ आता है तभी आप डेट्स और वन लाइनर्स कनेक्ट कर पाते हो मैं ये इसलिए नहीं बोल ट्रस्ट मी आप प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये शायद आपसे आपके एग्जाम में रेलेवेंट ही रेलेवेंसी ही नहीं रखता नहीं बिल्कुल रखता है अगर आपने बेस नहीं बनाया अपना तो आप आपकी जो बिल्डिंग आप खड़ी करने वाले हो फैक्ट्स रटने की वो गिर जाएगी और इसलिए बच्चों को करंट अफेयर याद नहीं रहते हैं दिस इज द रीजन सो यू शुड नो अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को तुरंत बताइएगा अभी बता दीजिएगा ठीक है अगर मैं बात करूँ कि कौन से सेंटर और स्टेट टैक्स जो है वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं जीएसटी में आए हैं तो स्टेट लेवल पे बात करूँ तो स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ठीक है परचेज टैक्स लग्जरी टैक्स ये सब आ गए हैं सेंटर लेवल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और ये सब चीजें यहाँ पर आई हैं अब जान लेते हैं कि जी क्या क्या बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा टैक्स इवेजन कहीं ना कहीं जो टैक्स इवेड कर देते थे लोग वो कम हो जाएगा राइट और लॉजिस्टिक्स आपका बेटर हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अब चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी आज की हम न्यूज़ पे बढ़ें उससे पहले हमें एक बारी मैं आपको स्लैब्स बता देती हूँ ये पांच स्लैब्स है जीरो परसेंट फाइव परसेंट बारह परसेंट अठारह परसेंट अट्ठाईस परसेंट ठीक है ये हम ऑलरेडी आप सभी को पता है ये हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं अलग अलग चीजों पर अलग अलग इनडायरेक्ट राइट ये 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 आप ये आपको पीपीटी या फिर ये जो कटिंग है ये आपको मिल जाएगा आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट टाइम जस्ट इन रीडिंग ठीक है मैं इनको रीड नहीं करना चाहती अठारह परसेंट में तेल आता है साबुन आता है ये आप खुद भी रीड कर सकते हो आई एम श्योर आप इतने इंटेलिजेंट हो इसमें कुछ है नहीं समझने वाला ठीक है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जिन चीजों में जिन जहां पर डाउट होते हैं अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की देखिए ये किस लिए लाया गया था क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स था ठीक है एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स था कि बहुत ज्यादा टैक्स ऐसे करना पड़ता था कैस्केडिंग इफेक्ट वाली प्रॉब्लम थी और एक और प्रॉब्लम थी कि एक सेम प्रोडक्ट एक राज्य में किसी एक राज्य में सौ रुपए का बिक रहा है दूसरे स्टेट में वो डेढ़ सौ रुपए का बिक रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम थी तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये एक टैक्स आया जीएसटी आया अब प्रॉब्लम क्या हो रही है हमने इसके अंदर भी स्लैब्स बना दिए आप देख सकते हो कितने सारे स्लैब्स हैं अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और यहाँ पर भी जो एक जो पूरा हमारा पर्पज़ था कि जी एक टैक्स हमने रखना है वो पर्पज़ तो यहीं डिफीट हो गया है ना इसीलिए अभी रिसेंटली जो चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी आप बोल सकते हो काउंसिल के टू पीएम एम विवेक देब्रॉय जी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी एक टैक्स होना चाहिए ठीक है एक ही जीएसटी होना चाहिए यही उनके स्टेटमेंट का मतलब था अब उसके लिए उन्होंने दो चार चीजें भी बोली हैं आगे आगे क्या क्या बोला है वो हम समझते हैं आगे क्या क्या बोला है उन्होंने <clears throat> उन्होंने ये बोला है कि देखो लोगों को भी ना आम जनता को भी ना अगर हम ये एक स्लैब के साथ आएंगे और अगर आम जनता चाहती है कि सरकार खर्चा करे अपने उनके सोशल काम पर या फिर सरकार खर्चा करे जनता पर तो सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा और ये उन्होंने क्यों बोला है उन्होंने ये बोल इसलिए बोला है क्योंकि उनके हिसाब से उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जीडीपी का या फिर आप बोल सकते हो कि जितना जी डी पी का तेईस परसेंट जीडीपी का तेईस परसेंट पैसा तो सरकार एक्सपेंडिचर में लगा रही है ये विवेक डेब्रॉय जी के फिगर्स हैं कि तेईस परसेंट तो हम एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं और हमारे पास जितना पैसा आ रहा है ना टैक्स और इन सब के माध्यम से जितना पैसा हम आ रहा है या जितना पैसा हम कमा रहे हैं जिसको हम टैक्स टैक्स टू जी टैक्स टू जी रेशियो भी बोलते हैं वो हमारे पास है फिफ्टीन इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि वो ये बोल रहे हैं सरकार कमा कम रही है और एक्सपेंडिचर सरकार का ज्यादा हो रहा है और अगर आम जनता चाहती है कि एक्सपेंडिचर हो तो उनको टैक्स भरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए ठीक है उनका ये बेसिकली एक लॉजिक यहां पर था उसके साथ साथ एक दो और चीजें उन्होंने बोली हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए ये नहीं है जीएसटी के अंडर तो इनको भी लाने की बात करी है क्योंकि सबसे क्या एग्जैक्टली अभी अपडेट हुआ है जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं वो सब हम जानते रहेंगे बट आई होप अभी तक आपको जो चीजें हैं उनकी स्टेटमेंट का क्या मतलब था वो आपको समझ आ गया होगा जीएसटी के बारे में भी काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी एक मल्टीपल मल्टीप्लेक्ट्री मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस थे इसके साथ साथ आपके बहुत और भी बहुत सारी चीजें थी ठीक है क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स थे हमें पता ही नहीं था कौन किस में कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है डिजिटल डिवाइड ये सब चीजें ठीक है